والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इसी तरह आप
प्लेन में जा रहे, प्लेन में सफर करी कि वहां पर जो है जो बुलाने वाले थे वो सिर्फ अखलाक पेश करते। तो जबानी अखलाक, हम ये समझते कि अखलाक अच्छी करना, अच्छी गुफ्तगू करना, सबसे अच्छा बात करना, ये अखलाक है। नहीं हाजरे निकरान, अखलाक क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए आप, सब सब चीज जितने भी पहलू है सब अखलाक में, सब अखलाक में। हम ये समझ बैठे हैं कि खाली अच्छी गुफ्तगू कर लेना, अच्छी बात कर लेना अखलाक है। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर का वाक्य है कि जंगे बदर में जो है जंग हुई और जंग में जो कैदी पकड़े गए, जो वो जमाने में बताइए कि कैदी अगर कोई पकड़ा गया तो उसको कतल कर देते या उसको मार देते। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए कि कैदियों को पकड़ ली और जब लेकर आए सारे कैदियों को तो एक जगह जो है उन लोगों को बंदी रस्सियों से उनको बंदी बनकर एक जगह रख दी। तो रात का वक्त हुआ जी, हुजूर के अखलाक देखे, रात का वक्त हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वो कैदियों के पास गए और जाके बेचैन हो गए मेरे आपा और देख रहे टहल रहे। उसी वक्त हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर, आपका भी लास्ट टाइम में आप सुने, हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आके फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों जागे? तो फरमाने लगे कि मैं बेचैन हूं सिद्दीक अकबर। बोले क्या बात है बताइए आप? फरमाने लगे कि जो ये कैदियां हैं उनकी रस्सियां इतने मजबूत हो गए कि वो परेशान हो रहे हैं, इनकी रस्सियां खोल दो सिद्दीक अकबर, उनके रस्सियां। तो वो कैदी जो काफे थे, जो एक दिन पहले हुजूर का कत्ल करने के लिए साजिश कर रहे थे, जंग में मौजूद थे, जंग में रिवायत में आता है 70 या 80 कैदी थे हुजूर को मारने के लिए जो है उन लोगों का बेचैन थे वो लोग, मगर जब ये हुजूर की गुफ्तगू सुने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो सिद्दीक अकबर गए और जैसा रस्सी खोले और बस रस्सी खोलना ही था, वो सारे के सारे हुजूर के पास आ गए और इस्लाम कबूल कर। फरमाया कि हम तो मोहम्मद अरबी को मानने आए थे, मोहम्मद अरबी के चाहने वालों को मानने आए थे, मगर ये मोहम्मद अरबी का इतना आला अखलाक है कि रस्सियां हमको बने हुए हैं, तड़प रहे हैं। तो वो लोग एक इस्लाम हम बताइए ना करने के नाम कैसे अखलाक का गया। आज हमारे अखलाक कैसे, आज हम कितनी दूर है अखलाक से। आज जो है भाई भाई से सही गुफ्तगू नहीं, आज है भाई से सही गुफ्तगू नहीं है, आज माँ बाप से हमारे सही गुफ्तगू नहीं है, बेटे बच्चे उस्ताद से सही गुफ्तगू नहीं है, आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा बताइए? अखलाक नहीं है हमारे अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा वो शख्स मेरे करीब रहेगा जिसके ज्यादा अखलाक अच्छे, ज्यादा अखलाक। आज बताइए कि मुआशरे में कितनी भी गाना आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रही है, जायजा के ताल्लुक से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का कत्ल कर गया, खाली जबानी गुफ्तगू से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लोगों तुम मुझे दो चीज की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। हुजूर फरमा रहे हैं एक जबान की और शर्मगाह कि दो चीजों की जमानत दे दो मैं तुमको जन्नत की। आप बताइए जबान, हुजूर ने फरमाया था जबान पकड़ के, हुजूर फरमाए कि लोगों ये चीज को थाम के रखो, ये चीज से जो है जिंदगी में जो है बिगाड़ आएगा। आप बताइए आज हमारे अंदर ये जबानी है जो है हमारे घरों में लड़ाई झगड़े, हमारे अंदर ना कि ना इत्तेफाक में हमारे भाई भाई का नहीं है, आज ऐसे हो गए भाई का भाई चेहरा देखना जो है ना गवार करता है, इतनी नफरत हमारे दिलों में क्यों आ रही है? इसलिए हम हुजूर के अखलाक से दूर